हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विद नूरजहान किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही झटपट टोमेटो भिंडी की सब्ज़ी। जी हाँ, टोमेटो भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही आसान है। हमने इसमें प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किए है, फिर भी इतनी मसालेदार और टेस्टी सब्ज़ी हमने आपको बना के दिखाई है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने यहाँ कढ़ाई ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 स्पून कुकिंग ऑयल डाले हैं। अब डाले 1/2 चम्मच जीरा, ऐसे अच्छी तरह लाल होने दीजिए। देखिए तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। जी हाँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है लहसुन का भिंडी की सब्ज़ी में। इसे हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। हम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, वरना हमारे लहसुन जल जाएंगे। देखिए अच्छी तरह गुलाबी हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने भिंडी ली हूँ। भिंडी को सब्ज़ी को पहले धोते हैं फिर काटते हैं। मैंने इसमें इसे मिला दिए हैं, 1/2 किलो सब्ज़ी है हमारी भिंडी की। लहसुन और जीरे में भिंडी को अच्छी तरह फ्राई कर देंगे। देखिए 2 से 3 मिनट तक हम कंटिन्यू इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे, ताकि हमारी भिंडी में जो चिकनाहट होती है वो ख़त्म हो जाए और हमारी भाजी अच्छी छुट्टी छुट्टी बन जाए। देखिए हमने भिंडी को अच्छी तरह फ्राई कर दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ली हो, 1/2 चम्मच नमक, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, और 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला। तमाम चीज़ें 1/2 चम्मच ही लिए हैं। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो अब हम इसे मसाले में अच्छी तरह भिंडी को फ्राई करेंगे। देखिए बहुत ही झटपट और आसानी से 10 से 15 मिनट में हमारी भिंडी बनके रेडी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर 2 टमाटर मिलाएंगे। जी हाँ, मैंने 2 टमाटर बड़े वाले कट करके ली हूँ। इसे हम भिंडी में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी बनी है भिंडी की सब्ज़ी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढक के रखेंगे 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। हम इस पर 1/2 कप पानी डालेंगे थाली के ऊपर और इसे भाप में पकाएंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए हमारी भिंडी अच्छी तरह नरम हो गई है और टमाटर भी तमाम पक गए हैं। मैंने जो थाली पे बचा हुआ पानी था वो भाजी में ही डाल दिया है, साफ पानी है। देखिए अब हम इसे ढकेंगे नहीं, कंटिन्यू 5 मिनट तक फास्ट फ्लेम पर इसे फ्राई करते रहेंगे, ताकि जो हमने पानी डाले थे वो अच्छी तरह सूख जाए और टमाटर और भिंडी का मसाला अच्छी तरह रेडी हो जाए। देखिए कंटिन्यू हम 5 मिनट इसे फ्राई कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान सब्ज़ी हमने आपसे बताई है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और अब हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। देखिए धनिया डाल के इसे मिक्स कर देंगे और हम गैस का फ्लेम बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। मैं ठंडी होने के बाद आपको सर्व करके दिखाऊंगी, ठीक है? गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। देखिए तो अब हमारी टोमेटो भिंडी की सब्ज़ी खाने के लिए तैयार है। तो आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। दिख रही है ना, बहुत खूबसूरत, और जितनी खूबसूरत है उतनी टेस्टी भी है। बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से हमने आपको बताया है भिंडी की सब्ज़ी बनाने का। प्लीज़ दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत कम है। अगर आपको मेरा भिंडी की सब्ज़ी बनाने का तरीका अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है? शुक्रिया, खुदा हाफिज़।